जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी, जर्नी ऑफ मनी। मनी की शुरुआत कहाँ से हुई थी ये आप सबको जानना बेहद जरूरी है, सभी बच्चों को जानना जरूरी है, चाहे वो कोई भी स्टैंडर्ड में हो या सभी इंसानों को जानना जरूरी। भाई हमारा जो पैसा, जो करेंसी है, जो इतिहास कहाँ से शुरू हुआ था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टार्ट हुआ था, अगर देखा जाए तो पहले के ज़माने में ना ये बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर मतलब क्या, तुम ये दो उसके बदले हम तुम्हें ये देंगे, गेहूं दो उसके बदले हम तुम्हें चावल देंगे, तुम मुझे जौ दो उसके बदले में तुम्हें सरसों देंगे, तेल देंगे, है ना। एक चीज के बदले एक चीज आता था, दैट इज कॉल्ड क्या, बार्टर सिस्टम, एक्सचेंज होता था। वहां से पहला स्टेप उसका क्या स्टार्ट हुआ बेटा, ये बार्टर सिस्टम वहीं से स्टार्ट हुआ। ये जो बार्टर आपको दिख रहा है ये स्टार्ट हुआ था कहां पे, वैल्यू या कोई भी चीज दो उसके बदले हमें वो चीज दूसरी चीज मिलती थी। बट थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरा स्टेप। बट अगर देखा जाए इसका ड्रॉबैक क्या होता था उस जमाने में बेटा, तो उसका ड्रॉबैक ये होता था कि इसमें प्रॉब्लम यह आती थी कि वैल्यू, जो चीज हमें चाहिए वो नहीं मिल पाती थी, हम ये देंगे तो ही मिलेगा वो, ऐसा हो जाता था। तो जो चीज हमें चाहिए होती थी सामने वाले को ना चाहते हुए वो लेना पड़ता था और दूसरा चीज देना पड़ता था, वो भी एक ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक था क्या बेटा, पोर्टेबिलिटी, यहां से वहां लेके जाना, है ना, कैरी करो इतना सारा सामान, लादो फिर बैलगाड़ी पर चढ़ाओ फिर लेके जाओ, उस जमाने में ये होता था। तो पोर्टेबिलिटी का इश्यू आ रहा था एक्सेट्रा, एंड ऐसे बहुत सारी चीज इश्यू आ रहे थे, ड्रॉबैक था। एंड फिर बाद में नई चीज आई, क्या आया बेटा, कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी क्या होता है, कमोडिटी मनी होता था बेटा कि मान लो बेटा इधर ध्यान दो, हाँ मान लो अगर ना तुम्हें, तुम्हारे पास भैंस है, गाय है, एनिमल्स की बात करें, भैंस है, गाय है, भैंस गाय दो और चावल लो, गेहूं लो, अनाज लो, तो ये कमोडिटी मनी चालू हुआ था। पहले बार्टर सेकेंड स्टेज इस पे क्या आया, कमोडिटी मनी की बात है। अब कमोडिटी मनी की जैसी ही बात आती बेटा, वहां पे एक ड्रॉबैक हमेशा ऑलवेज रहता है, भाई ये भी ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा, क्यों, क्योंकि ड्रॉबैक क्या था कि एनिमल, आज मैंने वादा किया कि एक दो भैंस दूंगा उसके बदले तो मुझे इतना चावल दे देना, दो भैंस की बात की और एक भैंस में भी डाय, है ना, तो मर सकती थी, तो इसका ड्रॉबैक क्या था, एनिमल्स में डाय, इसलिए ये भी ज्यादा नहीं चला। फिर उसके बाद में हमने इन्वेंट किया क्या, मेटलिक कॉइन एंड मेटल कॉइन्स जो होता है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज होते थे, वो वहां से हमारी जर्नी, थर्ड जर्नी स्टार्ट हुई। फर्स्ट फेज बार्टर, सेकेंड फेज कमोडिटी, थर्ड फेज मेटल कॉइन। अब मेटल कॉइन घर घर में बनने लगा, ऐसा कॉइन वैसा कॉइन, सिल्वर गोल्ड ये सारी चीज बनने लगा, है ना, तो वो भी एक ड्रॉबैक थे, कोई भी कहीं पे भी बना रहा है। तो मेटल कॉइन से धीरे 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 हम क्या करें और आगे बढ़े, इसमें ड्रॉबैक क्या था, क्या डिफिकल्ट टू कैरी एंड मोर वेट, ज्यादा वेट होने, क्या ये भी एक तरीके से चिल्लर है भाई, जे वजन ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो यहां पे भी ड्रॉबैक हो गया कि धीरे धीरे कॉइन्स आए, और कॉइन्स गवर्नमेंट भले इश्यू करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम हो गया कि भाई भारी होने की वजह से डिफिकल्ट टू कैरी। सपोज मुंबई तुम कमाने आओ, 1000 रुपए का, सॉरी 1 लाख रुपए का चिल्लर तुम्हें दे दे गांव लेके जाने के लिए, तो कैसे 10 किलो 15 किलो चिल्लर लेके जाओ, 10 किलो 15 किलो नहीं बेटा, वो कम से कम वो चिल्लर हो जाता रहेगा 50 किलो, और 50 किलो लेके आप जाएंगे, है ना, डिफिकल्ट टू कैरी हो जाता बेटा, इसके लिए इसका ड्रॉबैक क्या था, डिफिकल्ट टू कैरी यहां पे है। फिर बात आती कि इसकी पेपर मनी आया, थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ जो आया वो पेपर मनी आया, पेपर करेंसी, 10 का नोट, 5 का नोट, 2 का नोट, 1 का नोट, है ना, 20 का नोट आपने देखा होगा, 50 का नोट, 100 का नोट धीरे धीरे आया। तो पेपर करेंसी आ रही थी, पेपर करेंसी आ रही थी, तो पोर्टेबिलिटी में तो आसान हो गया, लेके जा सकते, बट इश्यू कहां आ रहा था बेटा, ये जल सकता है, बारिश में भीग जाएगा, नोट खराब हो जाएगा, बच्चे छोटे ले रहेंगे तो फाड़ देंगे, है ना, कॉइन में भी क्या था, बच्चे खा लेते थे, इसमें क्या था, फट सकता था, ये जल सकता था, मे बी बर्न एंड एक्सेट्रा ऑल दिस थिंग। बट यहाँ पे फोर्थ जो स्टेज हुआ वो क्या हुआ, हमारा पेपर करेंसी है, तो पेपर करेंसी भी उतना सेफ नहीं माना जा रहा था। तो फिर उसके बाद में हमारा जो नया आया उसे हम बोलते प्लास्टिक कार्ड, आपने देखा होगा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, ये सारी चीज, तो प्लास्टिक कार्ड आया, ग्रीन कार्ड गांव में देखा होगा, ये आपने देखा होगा किसान लोग को मिलता है केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, वो सारी चीज देखा होगा, तो प्लास्टिक कार्ड आया। अब प्लास्टिक कार्ड को हैक कर सकते हैं लोग, हैक नहीं कर सकते, चोरी कर लेंगे, चोरी करके स्वाइप कर लेते थे वो कुछ ओटीपी वगैरह के थ्रू, याद है, तो जब कार्ड घूमता तो हम क्या करते, फटाक से बंद कराते, तो इसके लिए कार्ड में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, ड्रॉबैक उसका क्या, हैकिंग वगैरह होता था, तो दैट इज द रीजन कार्ड चोरी भी हो जाता था, एंड कार्ड जो है टूट जाएगा, हम कहीं पॉकेट में रखे बैठ गए तो मान लो टूट गया। तो यहाँ पे फिफ्थ सेट जो है मनी का वो क्या आया, कार्ड है, प्लास्टिक कार्ड। अब प्लास्टिक कार्ड में भी कुछ प्रॉब्लम, भाई हर जगह प्रॉब्लम तो होती है। नेक्स्ट स्टेज आता है सिक्स्थ स्टेज, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी।
इलेक्ट्रॉनिक मनी आपने यूपीआई देखा, क्लिक क्लिक करके भेज रहे, इलेक्ट्रॉनिक मनी हुआ, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर हुआ, दैट इज कॉल्ड आरटीजीएस एनएफटी, अगर ये सब आया, एंड आईएमपीएस हुआ, मोबाइल बैंकिंग हुआ, मोबाइल से ट्रांसफरिंग हुआ, ये सारी चीज यहाँ पे हो रहा था। अब इसको सपोज इंटरनेट बैंकिंग पे तुम लॉग इन करो कंप्यूटर पे, तो वहां पे क्या एक इश्यू आ रहा था, क्या आ रहा था, सपोज तुम्हारा बैंक का नाम है सिटी बैंक, CITI, सिटी बैंक। अब हैकर लोग एक नया साइट क्रिएट करते हैं, उसका नाम क्या रखते, CITY, सिटी बैंक, और सेम उसी के जैसा दिखेगा। तो आप लोग लॉगिन आईडी पासवर्ड वहां पे डाले, उनको पता चला, वो सिटी बैंक पे लॉगिन करके फटाक से विड्रॉ कर ले पैसा पूरा। तो दैट इज कॉल्ड फिशिंग। फिशिंग मतलब सेम सेम दिख रहा है, तो ये फिशिंग हो रहा था कहां पे, इलेक्ट्रॉनिक मनी में, और फ्रॉड हो रहा था, हैकिंग हो रहा था कि तुम्हारे अकाउंट को हैक कर सकते हैं हैकर लोग, क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट है, से एक अकाउंट है, तो ये हैक करने में बहुत आसान होता था, वो लोग हैक कर लेते थे, ठीक है, हैकर्स लोग। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मनी में भी ड्रॉबैक क्या हो गया कि ये फिशिंग का काम हो रहा था, इसमें फ्रॉड हो रहा था, हैकिंग हो रहा था, और इससे परेशान होकर हम लोग एक नए सिरे पे आ गए, दैट इज कॉल्ड क्रिप्टो करेंसी। आज हम सातवें स्टेज पे पहुंचे हैं मनी के, और जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। दोस्तों ये भूलिए नहीं, क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा करेंसी है, आपने नाम सुना होगा बिटकॉइन, वो क्रिप्टो करेंसी में आता है। ये बहुत वोलेटाइल है, मतलब क्या, बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू कम होती है, फटाक से बढ़ती है, ये सब होती है। तो क्रिप्टो करेंसी हैक करना आसान है? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी इन अंडर क्रिप्टो लेजर, एक लेजर बनता है, क्रिप्टोग्राफ बनता है, क्रिप्टोग्राफ के अंदर होता है, पूरा ग्राफ के अंदर एक अकाउंट नहीं, मिलियंस ऑफ अकाउंट होते हैं। देखो बेटा, मिलियंस ऑफ अकाउंट होते हैं जिनको हैक करना विच इज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं होता। एक अकाउंट हैक कर ले, दो, दस, बीस हैक कर लिए एक साथ, लेकिन एक लाख, दस लाख, बीस लाख, करोड़ों अकाउंट हैक करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए क्रिप्टो करेंसी के जो अभी सातवां स्टेज है, जिसमें क्रिप्टोग्राफ देखा गया है, और क्रिप्टोग्राफ को हैक करना इतना आसान नहीं है। तो हम लोग इसका एग्जांपल, क्रिप्टो करेंसी का नाम एग्जांपल है बेटा बिटकॉइन। आपने देखा होगा रूपी, रूपी जो शब्द आया बेटा, ये कहां से आया, आपको पता है कहां से आया? हमारे संस्कृत शब्द से लिया गया है रूपी। रुपी कहां से उठाया गया? हमारे संस्कृत शब्द से, और अभी भारतीय मुद्रा का ये लोगो रुपी है। तो ये सब आप इतना ध्यान रखिए, और नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही हम मिलेंगे एक छोटे से नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।